हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में आज हम विशेष सीरीज लेकर आए हैं जिसमें रेलवे की हम तैयारी कराएंगे रेलवे साइंस मध्य प्रदेश में व्यापम जो भी एग्जाम्स कराती है उन सभी की साइंस का हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं आज का हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम भौतिकी संबंधी प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया उसके बारे में जानकारी देखेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोस आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा भौतिकी संबंधी पहला सिद्धांत है उत्प्लावन या तैराव का सिद्धांत जिसे हम आर्कमिडीज प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं बयोन्सी फोर्स इंग्लिश में बयोन्सी फोर्स की परिभाषा भी इन्हीं के द्वारा दी गई तो सबसे पहले हमें जानना है कि वह किसने दिया तो उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया है ने दिया है, है। वह यूनान के ग्रीस के साइंटिस्ट हैं उत्प्लावन का सिद्धांत आर्क्यमिडीज के द्वारा दिया गया है इन्हीं की बदौलत यदि कोई वस्तु पानी में हम आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं तो वह तैर पाती है या डूब जाती है तो इन्होंने क्या कहा इन्होंने पहले एक उत्प्लावन बल की परिभाषा दी क्या कहा कि यदि कोई ठोस वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डोवाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है जिसे हम क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं इसी कारण यही कारण है कि जब हम कोई वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसका उसके भार में हमें कमी महसूस होती है तो आगे देखते हैं उत्प्लावन बल के कारण द्रव में डूबी वस्तु का भार उसके वास्तविक भार का वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है और वस्तु हल्की प्रतीत होती है इन्हीं के कारण उत्प्लावन का बल की क्या परिभाषा दी गई उत्प्लावन बल बराबर भार में आभासी कमी जो क्या होगी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है और उत्प्लावन बल के कई उपयोग हैं आर्कमिडीज प्रिंसिपल के कई यूजेस हैं इन्हीं के इनी के लॉ का यूज़ करके हम का निर्माण करते हैं इन्हीं के लॉ का यूज करके हम वर्तमान में हाइड्रोमीटर लेक्टोमीटर जिससे हम दूध की शुद्धता माप सकते हैं या दूध से पानी को अलग कर सकते हैं कई यूजेस हैं कोई भी वस्तु यदि पानी में तैर रही है डूबी हुई है तो उन सभी पे क्या लगता है लॉ ऑफ आर्कमिडीज या उत्प्लावन सिद्धांत उत्प्लावन सिद्धांत किसने दिया था आर्कमिडीज ने दिया था चलते हैं आगे। अगला जो सिद्धांत है वह है जड़त्व के नियम और गति के समीकरण आपने सभी ने सुना होगा जड़त्व क्या है गति के समीकरण हम छठीवी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो गति के समीकरण और जड़त्व के नियम किसने दिए थे गैली गैलीली नामक वैज्ञानिक ने दिए थे जड़त्व क्या होता है जड़त्व के नियम क्या है जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु या व्यक्ति ब्राम अवस्था में है तो वह ब्राम अवस्था में रहने की कोशिश करता है तथा यदि कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील होने का ही प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई आवासीय बल या बाहरी बल ना लगाया जाए जड़त्व उसी से डेफिनेशन निकल के आती है जड़त्व की किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था किसी भी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे जड़त्व कहलाता है अब तीन प्रकार के जड़त्व होते हैं गति का जड़त्व अलग होता है विराम का जड़त्व अलग होता है और दिशा का जड़त्व तो अलग होता है उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमने देखा जड़त्व के नियम और गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए थे गति के समीकरण देख लिए थे तीन होते हैं एस बराबर ऐसा बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्स एटी और बी स्क्त बराबर प्लस टू ए एस इसके बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा भी करेंगे जब हम डिटेल्ड रूप से जब चैप्टर वन और चैप्टर टू के, देखेंगे तो हमने देखा उत्प्लावन का सिद्धांत आर्कमिडीज के द्वारा दिया गया जड़त्व के नियम गति के समीकरण गैलीलियो के द्वारा दिए गए चलते हैं आगे अगला सिद्धांत है सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था जब यह सिद्धांत आया तो पूरे ब्रह्मांड में एक खलबली मच गई क्यों क्योंकि इन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को मतलब अलग कर दिया था न्यूटन के सिद्धांत को भी फेल कर दिया क्योंकि न्यूटन ने कहा था आइजैक न्यूटन का मानना था कि हर वस्तु में एक शक्ति होती है जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है क्या कहा था न्यूटन ने कि हर वस्तु में अपनी ओर खींचने की एक शक्ति होती है और जैसे हम जानते भी हैं क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यह विचार कि भौतिक वस्तु में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं एक भ्रम है जो प्रकृति संबंधी गलत यांत्रिक धारणाओं के कारण पैदा हुआ है इनके अनुसार गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव का असली कारण क्या था हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द गिर्द की दिक्काल एक इन्होंने स्पेस टाइम की व्याख्या की थी स्पेस टाइम में मरोड़ के कारण ही वह खिंचाव पैदा होता है इसको हम डीपली आगे क्लासेस में देखेंगे लेकिन इन्होंने न्यूटन के नियम को बिल्कुल साइड में रख दिया था इन्होंने कहा था कि जो भी गुरुत्वाकर्षण है जो भी वस्तुओं का खिंचाव है वो किसके कारण होता है स्पेस-टाइम के कारण होता है एक दिक्काल काल के कारण होता है इसीलिए पूरी दुनिया में इनके नियम के बाद खलबली मच गई थी और अभी भी इसको कई साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं तो सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिले, रिलेटिविटी किसने दी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। उसके बाद हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे गुरुत्वाकर्षण का नियम आईजेक न्यूटन ने जो इंग्लैंड से हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे आईजेक न्यूटन ने जो कि इंग्लैंड से हैं इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच किन्नी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यहां पर देख सकते हैं एम वन एम टू दो पिंडों के द्रव्यमान हैं, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर जहां पे जी क्या है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ठीक है इन्हीं के बाद मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाद ही एक स्मॉल जी निकल के आता है जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं जिसका मान कितना होता है नाइन पॉइंट एट नौ दशमलव आठ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ठीक है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया न्यूटन ने दिया इसके बाद ही गति के नियम निकल के आते हैं तीन गति के नियम हम सब ने पढ़े होंगे ठीक है जिसके बारे में हमें विस्तृत विस्तृत चर्चा करनी है आगे उसके बाद अगला सिद्धांत अगला नियम आता है जो कि क्वांटम सिद्धांत है क्वांटम फिजिक्स जब शुरू होती है तो इनका सिद्धांत सबसे पहले पढ़ा जाता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था मैक्स प्लांक साहब ने मैक्स प्लांक्स जर्मनी से हैं इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया ई बराबर एचन न्यू मतलब कि अवशोषण उत्सर्जन और कणों में जो भी गति है इनके नियम पर डिपेंड करती है क्या कहा था कि क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत पदार्थ द्वारा ऊर्जा की उत्सर्जन अवशोषण और कणों की गति के साथ संबंधित है तभी जाकर इन्होंने E बराबर एच न्यू जहां पे h क्या है प्लांक कांस्टेंट है प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है हमने देखा सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी जिसको हम विस्तृत रूप से आगे देखेंगे बस इतना याद रखें कि जो आकर्षण का कारण था वह क्या था स्पेस टाइम मतलब जो भी थ्योरी दी उसमें स्पेस टाइम को महत्वपूर्ण माना था उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए न्यूटन ने दिए उसी के बाद जी का मान निकल आता है और क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था मैक्सप्रांक ने चलते हैं आगे अगला सिद्धांत या अगली खोज है रेडियो एवं वायरलेस सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण खोज रेडियो एवं वायरलेस जिसकी खोज किसने की थी मार्कोनी जो इटली के साइंटिस्ट हैं रेडियो एवं वायरलेस की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई अब इन्होंने लंबी दूरी तक रेडियो संचार मतलब लंबी दूरी तक एक कोई संधिस बिना तार की संकेत भेजना कि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अब जब बात आती है रेडियो और की, तो हम तीन साइंटिस्टों को याद करते हैं एक तो मैक्सवेल साहब दूसरे हार्ज और तीसरे मार्कोनी हम विस्तृत रूप से देख रहे हैं सबसे पहले क्या हुआ सन अठारह की बात है जब मैक्सवेल ने एक गणतीय रूप से और प्रयोगशाला में कह दिया कि हम एक रेडियो नाम की चीज बना सकते हैं जिससे हम बिना तार के संदेश भेज सकते हैं केवल इन्होंने मतलब सोचा प्रयोगशाला में भेज नहीं सके तो मैक्सवेल साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो वायरलेस की परिकल्पना की थी और पांच सालों बाद अठारह में सोचा पांच सालों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है तो वह संदेश को बिना तार के भेज नहीं पाए उसके बाद आते हैं हर्ज हेनरिक हर्ज नाम का सबने नाम सुना होगा फ्रीक्वेंसी का मात्रक भी हर्ज होता है तो इन्होंने क्या किया 1886 से 1889 के बीच में यह सिद्ध कर दिया कि जो मैक्सवेल कह रहे थे तो वो सही था हम वायरलेस मतलब बिना तार के संदेश भेज सकते हैं इन्होंने सिद्ध कर दिया था लेकिन यह भी संदेश को भेज नहीं पाए विद्युत चुंबी के तरंगों रेडियो तरंगों का उपयोग करके संदेश भेज नहीं पाए इन्होंने परिकल्पना की इन्होंने सिद्ध कर दिया लास्ट में हमारे आते हैं आविष्कारक मार्कोनी इन्होंने पहली बार सन 1900 में 16 साल के लड़का थी मात्र 16 साल की उम्र में 1900, सन 1900 में क्या किया बिना तार के एक रेडियो संदेश भेज के दिखा दिया तब जाके जो वर्तमान में सेलुलर फोन है मोबाइल फोन है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वह किस पे वर्क कर रहे हैं वायरलेस पे वर्क कर रहे हैं तो रेडियो और वायरलेस की खोज किसने की है मार्कोनी ने आपको इनके बारे में पढ़ना है तो काफी 10-20 पेजों में है लेकिन हमने शॉर्ट में इनका पूरी जानकारी दे दी कि तीन वैज्ञानिक थे मैक्सवेल हर्ज और मार्कोनी जिन्होंने रेडियो वायरलेस के लिए महत्वपूर्ण खोज में अपना कार्य किया है उसके बाद आता है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव ने दिया था जो स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या कहा था इस प्रभाव में कहा था मैक्सवेल ने कि सबसे पहले प्रयोग के माध्यम से बताया गया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलते हैं इन्होंने कहा कि जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है वह अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलते हैं और इस प्रभाव के बारे में काफी लंबी हमें स्टडी करना है आगे जाके अगली क्लासेस में अभी हम केवल देख रहे हैं कि कौन सा प्रभाव कौन सा तो प्रकाश का दिया है तो प्रकाश की, की चाल से चलते हैं उसके बाद हमारा अगला है रेडियो सक्रियता रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी या हिंदी में अन्य नाम से बोलते हैं रेडियो धर्मिता ठीक है रेडियो सक्रियता किसने दिया था हेनरी बेकोरल ने बिल्कुल रेडियम की एक घटना ही होती है जैसे हम रेडियो सक्रियता बोलते हैं रेडियम की खोज की बात यदि आए कि रेडियम की खोज किसने की थी तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और रेडियो सक्रियता घटना किसने बताई थी हेनरी बेकोरल ने जो फ्रांस से आते हैं क्या कहा था इन्होंने रेडियो सक्रियता वह घटना है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से क्या करे आयनकारी विकरण आयनकारी विकरण ऊर्जा के रूप में फेंकता हो वह क्या है रेडियो सक्रियता है और ऐसे परमाणु ऐसे ऐसे नाभिक ऐसे तत्व जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं उन्हें हम क्या हो सकते हैं रेडियोधर्मी तत्व हो सकते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं तो हमने देखा रेडियो वायरलेस मार्कोनी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव मैक्सवेल और रेडियो सक्रियता हेनरी बेकोरल, रेडियम मैडम क्यूरी चलते हैं आगे हमारा अगला सिद्धांत है या अगली खोज है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किस साइंटिस्ट ने दिए थे तो माइकल फेराडे जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे क्या होता है तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या जिसे हम ई एम एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है क्या नियम दिया था कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई e. एम एफ चुम्बकीय फ्लैक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है और इस नियम के आधार पर ही जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर हो गया बड़े बड़े विद्युत जनरेटर्स इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम माइकल फेराडी ने दिए थे उसके बाद विद्युत अवघटन के नियम भी किसने दिए थे माइकल फेराडी, इंग्लैंड विद्युत अवघन मतलब आ, ए, कैथोड एनोड ठीक है देखते हैं विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन में क्या होता है इलेक्ट्रोड्स पर जमा हुए पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है धारा की मात्रा के समानुपाती होती है विद्युत अपघटन में क्या करते हैं हम किसी एक पदार्थ को किसी एक वस्तु को हम एक इलेक्ट्रोड कैथोड पर और एक एनोड पर तो एनोड की वस्तु जो एनोड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या पिघलता है और कैथोड पे जमा होता जाए इस तरीके से तो विद्युत अपघटन के नियम माइकल फेराडी ने विद्युत चुम्बकी के प्रेरण के नियम भी माइकल फेराडी ने दिए थे ठीक है उसके बाद है प्रकाश की द्वैती प्रकृति डुअल नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था प्रकाश की द्वैती प्रकृति डी ब्रोगली साहब ने समझाई थी हमें जो फ्रांस से आते हैं इन्होंने कहा था किसी वस्तु या किसी या सभी पदार्थों में क्या होता है कण और तरंग दोनों की प्रकृति होती है जब कोई वस्तु कण के रूप में है तो वह तरंग नहीं हो सकती और जब वस्तु तरंग के रूप में है तो वह कण नहीं हो सकती दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं प्रकाश की द्वै, द्वैती प्रकृति डी ब्रोगली साहब ने समझाई थी और क्या क्या कहा गया था कि सभी पदार्थों में कण और तरंग दोनों के गुण होते हैं लेकिन एक साथ नहीं होते उसके बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस साइंटिस्ट ने खोजा था तो आर के मिलिकन साहब ने जो यूएसए किए हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने बताया था और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है और इलेक्ट्रॉन क्या है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाले ठीक है कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसा है ऋणात्मक आवेश कण होता है जिसका आवेश कितना होता है एक दशमलव छह इंटू दस की पावर माइनस उन्नीस इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है एक दशमलव छ इंटू दस की पावर माइनस उन्नीस और चार्ज को आवेश को किस में मापते हैं कूलॉम्ब में ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 क्या है है चार्ज की इकाई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण आर के मिलिकन ने किया था और तारों की जीवन गाथा कि तारे कोई तारे कोई कब तक जीवित रह सकते हैं ठीक है तो तारों की जीवन गाथा का विस्तृत वर्णन तारों की जीवन गाथा बनाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो भारत से आते हैं हमने देखा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम माइकल फेराडे चुंब की अवगटन के नियम माइकल फेरा प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति डर ऑफ लाइट डी ब्रोगली उसके बाद इलेक्ट्रॉन की आवेश का निर्धारण आर के मिलिकन और लास्ट में तारों की जीवनगाथा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर चलते हैं कुछ आगे अगले सिद्धांत के बारे में देखते हैं जो अगला सिद्धांत है अनिश्चितता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी किसने दिया था हाइजन वर्ग ने दिया था जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं अनिश्चितता का सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है अनिश्चितता का सिद्धांत दिया हाइजन वर्ग ने क्यों कहा जाता है तो देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति एवं संवेग को किसी गतिमान कण की स्थिति एवं संवेग को एक साथ एकदम ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता यह है अनिश्चितता का सिद्धांत एक इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल पे एच क्या है प्लांक नियतांक है ठीक है और डेल एक्स क्या है स्थिति में परिवर्तन पी में परिवर्तन तो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या करता है कि स्थिति और संवेग को एक साथ एकदम ठीक ठीक कभी हम माप नहीं सकते उसके बाद अगला है रमन प्रभाव या क्रिस्टलीय सिद्धांत जो किसने दिया था सीवी रमन ने दिया था चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की क्या कहता है रमन प्रभाव जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ साथ क्या होता है अत्यल्प तीव्रता का कुछ है, अन्य वर्णों का प्रकाश भी देखने में आता है ठीक है तो यह था रमन प्रभाव क्या कहता है कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट ठोसों और द्रवों से होकर गुजरती है तो उसमें आपत्तित प्रकाश के साथ साथ का कुछ अन्य प्रकाश भी देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रमन प्रभाव और इसी के चलते सन 1930 में इसी के चलते सन 1930 में चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स का नोबल पुरस्कार दिया गया था तो यह एक जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1930 में किसे या फिजिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो रमन को सीवी रमन को दिया गया था उसके बाद अगला है बोस आइंस्टीन सांख्य की यह एक सिद्धांत है जो सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिया गया था आइंस्टीन भी इसमें शामिल थे जिसके बाद बोसोन नामक एक कड़ की परिकल्पना की जाती है इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे तो बस याद रखना है कि बोस आइंस्टीन की सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दी गई उसके बाद है नाभिकीय बल का सिद्धांत थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जो किसने दी थी एच यूकावा जापान एच यूकावा नामक साइंटिस्ट ने जो जापान से आते हैं परमाणु के नाभिक में अब नाभिक ये बल क्या है अब हम सभी जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो उन दोनों के मध्य परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटोनों के मध्य जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं नाभिकीय बल या न्यूक्लियॉन न्यूक्लियन अंत अंत क्रिया कहते हैं ठीक है तो नाभिकीय बल का सिद्धांत दिया था एच युकावा ने हमने देखा अनिश्चितता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी हाइजन वर्ग ने दी थी जो इटली जर्मनी के थे रमन प्रभाव सीवी रमन ने दिया था बोस अंक की सत्येंद्र नाथ बोस ने दी थी नाभिकीय बल का सिद्धांत यू एच युकावा ने दिया था आज हमने भौतिकी संबंधी प्रमुख सिद्धांतों के बारे में विस्तृत चर्चा की है अगली क्लासों से हम क्या है चैप्टर वन चैप्टर टू मतलब जो मात्रक चैप्टर वन है फिजिक्स का मात्रक वहां से स्टार्ट करेंगे ठीक है यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि आज हमारी पहली क्लास थी यह विशेष तौर पर एनटीपीसी एमपी व्यापम सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए तब तक के लिए धन्यवाद Be the plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be